हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 20 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में। तो 20 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करने से पहले आप सभी को सबसे पहले दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि हमने 19 तारीख के लिए कल्याण के लिए 19 तारीख के लिए कल्याण के लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड सी गेम में यहाँ पर देखिए 3 गेम के बारे में बात किया था। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए 19 तारीख के गेम में जोड़ी गेम में 63 का जोड़ी गेम बना था, तो स्ट्रॉन्ग वर्ड सी गेम से 3 क्लोज गेम में गेम पास देखने को मिला है। तो आप सभी को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जैसे कि हमने 19 तारीख के लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड सी गेम में 3 गेम के बारे में बात किया था, तो स्ट्रॉन्ग वर्ड सी गेम से 3 क्लोज गेम में गेम पास देखने को मिला है। तो आप सभी को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अगर अभी तक आपने 19 तारीख का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 20 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में। तो 20 तारीख के लिए भी गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। और जो मैं आप लोगों को 20 तारीख के लिए लाइन दिखाने वाला हूँ, लाइन बहुत ही अच्छा होने वाला है, और उसी लाइन के हिसाब से यहाँ पर 20 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो गेम देखने से पहले, लाइन देखने से पहले आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने हर एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ आपको पास में एक बेल आइकन मिलेगा, उस पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी यहाँ पर देखिए, गेम देखने से पहले, लाइन देखने से पहले थोड़ा सा गेम के रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आज मैं आप लोगों को गेम का रिकॉर्ड्स नहीं दिखाऊंगा, बस ऐसे ही बताऊंगा, बोलेंगे। देखिए इस हफ्ते में, ठीक है, इस हफ्ते में देखिए मंडे के गेम में भी क्लोज गेम में गेम पास देखने को मिला है, ट्यूजडे के गेम में भी क्लोज गेम में गेम पास देखने को मिला है, और वेडनेसडे के गेम में भी क्लोज गेम में ही गेम पास देखने को मिला है। मतलब कि इस हफ्ते में लगातार मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे लगातार गेम पास देखने को मिला है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो सब वीडियो नहीं देखा है मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे का, तो आप लोग चैनल पे जाके वो सब वीडियो आप लोग देख सकते हैं, सबके सब वीडियो है, ठीक है। तो अभी देखिए, सबसे पहले इन सब को यहाँ पर इरेज कर लेते हैं और यहाँ पर डेट को चेंज कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर 20 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए लाइन कहाँ से देखेंगे, तो लाइन यहाँ पर 19 तारीख के गेम से यहाँ पर लाइन देखेंगे, जो कि यहाँ पर 19 तारीख के गेम से ओपन पैनल से फर्स्ट लाइन देखेंगे, उसके बाद जोड़ी गेम से सेकंड लाइन देखेंगे, उसके बाद क्लोज पैनल से थर्ड लाइन देखेंगे। मतलब कि तीन लाइन देखेंगे, तीन लाइन के हिसाब से यहाँ पर 20 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। तो ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 367 का अंक, उसका सेकेंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। तो जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 63 का जोड़ी गेम, उसका थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। तो क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए, तो क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 599 का अंक। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, उसका सेकेंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, उसका थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट लाइन देख लेते हैं, तो फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। तो ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 367 का अंक, तो देखिए 3 और 6 को जोड़ेंगे। तो देखिए लाइन देखने से पहले एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि देखिए जो लाइन के बारे में बात करेंगे और लाइन देखेंगे इसको आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन देख लेते हैं, तो देखिए 3 और 6 को जोड़ेंगे, 3 और 6 को जोड़ेंगे 9 का अंक बनेगा, उसका 6 और 7 को जोड़ेंगे 13 का अंक बनेगा,
उसके बाद देखिए 9 और 1 को जोड़ेंगे, 10 का अंक बनेगा, 10 से 0 को लिखेंगे, 1 रहने देंगे। उसके बाद 1 और 3 को जोड़ेंगे, 4 का अंक बनेगा, और 1 जो रह गया था उसको लेंगे, 5 का अंक बनेगा, ठीक है। उसका देखिए फिर से 0 का वैल्यू 1, 0 की जगह पर 1, तो 1 और 5 को जोड़ेंगे, 6 का अंक बनेगा, 1 और 5 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 4 का अंक बनेगा। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 6 और 4 का अंक देखने को मिला है। तो लाइन और एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ, जो कि फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से, तो ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 367 का अंक, तो 3 और 6 को जोड़ा 9 का अंक बना, उसके 6 और 7 को जोड़ा 13 का अंक बना, उसके बाद 9 और 1 को जोड़ा 10 का अंक बना, उसके बाद देखिए 9 और 1 को जोड़ा 10 का अंक बना, 10 से 0 को लिखा, 1 रहने दिया, उसके बाद 1 और 3 को जोड़ा 4 का अंक बना, और 1 जो रह गया था उसको लिया 5 का अंक बना। उसके बाद देखिए फिर से 0 का वैल्यू 1, तो 1 और 5 को जोड़ा 6 का अंक बना, 1 और 5 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 4 का अंक देखने को मिला है। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 6 और 4 का अंक देखने को मिला है। तो अब यहाँ पर इसको इरेज करके यहाँ पर साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 6 और 4 का अंक देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर सेकंड लाइन देखेंगे, सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। तो जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 63 का जोड़ी गेम, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 6 और 3 को जोड़ देंगे, 6 और 3 को जोड़ेंगे 9 का अंक बनेगा, उसके बाद फिर से 6 और 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 3 का अंक बनेगा। तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 9 और 3 का अंक देखने को मिला है। तो सेकंड लाइन जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 63 का जोड़ी गेम, तो 6 और 3 को जोड़ा 9 का अंक बना, उसका 6 और 3 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 3 का अंक देखने को मिला है। तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 9 और 3 का अंक देखने को मिला है। तो अभी इसको भी यहाँ पर इरेज करके यहाँ पर साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 9 और 3 का अंक देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर थर्ड लाइन देखेंगे, थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। तो क्लोज पैनल पर यहाँ पर देखिए, तो क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 599 का अंक, तो 5 और 9 को जोड़ेंगे 14 का अंक बनेगा, 14 से 4 को लिखेंगे, 1 रहने देंगे, उसके बाद 9 और 9 को जोड़ेंगे 18 का अंक बनेगा, और 1 जो रह गया था इसको लेंगे 19 का अंक बनेगा। उसके बाद देखिए 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 का अंक बनेगा, उसके बाद 1 और 9 को जोड़ेंगे 10 का अंक बनेगा, उसका देखिए फिर से 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 का अंक बनेगा, उसके बाद फिर से 1 और 0 को जोड़ेंगे, तो 0 का वैल्यू 1, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 का अंक बनेगा, उसके बाद 6 और 2 को जोड़ेंगे 8 का अंक बनेगा, 6 और 2 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 और 2 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 4 का अंक बनेगा। तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 8 और 4 का अंक देखने को मिला है। तो लाइन और एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ, जो कि थर्ड लाइन क्लोज पैनल से। तो देखिए लाइन और एक बार क्यों समझेंगे ये भी मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है, बहुत लोग सोचता है कि ये बार बार क्यों लाइन दिखाता है। तो देखिए बहुत लोगों को एक बार में लाइन समझ में नहीं आता है, तो और एक बार लाइन समझाने से उन लोगों को समझने में आसानी होता है। और देखिए अगर एक बार लाइन करने में अगर कहीं पर भी कुछ भी मिस्टेक होता है, तो और एक बार लाइन समझने से वो भी पता चल जाता है, तो इसलिए लाइन और एक बार समझेंगे, ठीक है। तो थर्ड लाइन क्लोज पैनल से, तो क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 599 का अंक, तो 5 और 9 को जोड़ा 14 का अंक बना, 14 से 4 को लिखा, 1 रहने दिया, उसके बाद 9 और 9 को जोड़ा 18 का अंक बना, और 1 जो रह गया था उसको लिया 19 का अंक बना, उसके बाद देखिए 4 और 1 को जोड़ा 5 का अंक बना, उसके बाद 1 और 9 को जोड़ा 10 का अंक बना, उसके बाद 5 और 1 को जोड़ा 6 का अंक बना, उसके बाद 1 और 1 को जोड़ा 2 का अंक बना, क्योंकि 0 का वैल्यू 1, 0 की जगह पर 1, उसका देखिए 6 और 2 को जोड़ा 8 का अंक बना, 6 और 2 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 4 का अंक देखने को मिला है। तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 8 और 4 का अंक देखने को मिला है। तो अभी इसको भी यहाँ पर इरेज करके यहाँ पर साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए एट और फोर का अंक देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 6 और 4 का अंक देखने को मिला है। उसका सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 9 और 3 का अंक देखने को मिला है। उसका थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 8 और 4 का अंक देखने को मिला है।
तो अभी जो यहाँ पर ये तीनों लाइन देखने को मिला है, तो ये तीनों लाइन पहला लाइन देखने को मिला है, तो इनसे अभी यहाँ पर और एक लाइन देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर गेम देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लाइन में, तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 6 और 4 कांग देखने को मिला था। तो देखिए जो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से देखने को मिला है, इसको यहाँ पर देखिए फिर से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 6 और 4 को फिर से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 कांग बनेगा। उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए सेकेंड लाइन में, तो सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 9 और 3 कांग देखने को मिला था। तो देखिए जो सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से देखने को मिला है, इसको भी यहाँ पर देखिए फिर से जोड़ देंगे, क्योंकि फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से माइनस किया था, तो जो सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से देखने को मिला है, इसको फिर से जोड़ देंगे। तो सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से यहाँ पर देखिए 9 और 3 कांग देखने को मिला था, तो 9 और 3 को फिर से जोड़ देंगे, 9 और 3 को फिर से जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिए फिर से 12 कांग बनेगा, 1 और 2 कांग। तो अभी जो यहाँ पर ये 1 और 2 कांग देखने को मिला है, 1 और 2 को सबसे पहले जोड़ देंगे, फिर से 3 कांग बनेगा, 1 और 2 को फिर से माइनस करेंगे, 1 कांग बनेगा, क्योंकि 2 कांग पहले से देखने को मिला है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद अभी 3 और 1 को फिर से जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिए फिर से 4 कांग बनेगा। उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन में, तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 8 और 4 कांग देखने को मिला था। तो अभी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 2 कांग देखने को मिला था, मतलब कि फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से माइनस किया था, सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से प्लस किया था। तो अभी जो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से देखने को मिला है, इसको भी यहाँ पर देखिए फिर से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 8 और 4 को फिर से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए फिर से 4 कांग बनेगा, लेकिन देखिए सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से 4 कांग पहले से देखने को मिला है, तो इसीलिए जो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से 4 कांग देखने को मिला है, 4 के अंक को नहीं देखेंगे, 4 के फैमिली को देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए 4 का फैमिली 9 कांग। तो अभी यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 2 कांग देखने को मिला है, उसका सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से 4 कांग देखने को मिला है, और 4 का फैमिली थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से यहाँ पर देखिए 9 कांग देखने को मिला है। तो जो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से देखने को मिला है 2 कांग, तो 2 के फैमिली को और कांक में देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए 2 का फैमिली 7 कांग। तो अभी यहाँ पर इन सबको इरेज करके यहाँ पर गेम में देख लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों से यहाँ पर बात करता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 4 और 9 कांग देखने को मिला है, उसके बाद नॉर्मल ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 2 और 7 कांग देखने को मिला है। तो गेम देखने को मिल गया, जो कि यहाँ पर 20 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने हर एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाए। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कहीं पर भी कुछ भी कुछ समझने में कुछ दिक्कत हुआ है तो आप लोग वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, देखते हैं अगले वीडियो से अगर होता है तो गेम के रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मतलब कि गेम के रिकॉर्ड्स दिखाऊँगा। और वैसे भी इस हफ्ते में आप लोगों को, अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा, इस हफ्ते में देखिए लगातार मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लगातार गेम पास देखने को मिला है। अगले वीडियो से मैं आप लोगों को गेम का रिकॉर्ड्स भी दिखा दूंगा, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे गेम का रिकॉर्ड्स दिखाइए, ठीक है। तो अगले वीडियो से देखेंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।